हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 12 मई 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेंटर फॉर स्टडी एंड मैनेजमेंट का महानदी बेसिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, NIT, NTPC, AAMS, SECL। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, NIT रायपुर के द्वारा मिलके इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, और साथ ही राउरकेला जो कि उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है, दोनों ने मिलकर क्या है महानदी बेसिन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अब NIT कहाँ है? तो यहाँ रायपुर में स्थित है। अब NIT रायपुर में स्थित है। अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861, मुख्यालय रायपुर, रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नवा रायपुर। 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र, और यहीं पर ट्राई पोर्ट स्थित है। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, और इसके अंदर में है साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन स्थित है। भानपुरी में अप्रैल पार्क, रौभाटा में मेटल पार्क, तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉलीपॉर्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिले कहाँ हैं? तो तिल्दा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। IT पार्क, IIT स्थित जंगल सफारी जो कि मड़वा ग्राम में स्थित है। परशदा वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा इसको निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान देखते हैं NIT, जिसकी अभी बात हो रही, महानदी बेसिन NIT रायपुर से शुरुआत की गई है इनके सहयोग, और यहीं पर है पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक महाविद्यालय। पुरखौती मुक्तगंज राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया गया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता भारत का एकमात्र मंदिर जो हाटकेश्वर रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन से भी आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैगा जनजाति में महिलाओं का वस्त्र किस रूप में जाना जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, लुगरा, कपरची, साड़ी, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपरची। ठीक है, कपरची जो महिला की जो पहनने वाली वस्त्र है उसको कहा जाता है। ठीक है, और हमारे बोली भाषा में या छत्तीसगढ़ी में लुगरा, साड़ी इत्यादि हमारे क्षेत्र में बोला जाता है कि अच्छा से साड़ी ली है, तो जनजाति में कपरची बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्लभ जीव पेंगोलियन प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, सुकमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़ जिले में प्राप्त हुआ है, जो कि दुर्लभ प्रकार के जीव है, और यहाँ रायगढ़ जिले में अभी वर्तमान में मिला है। अब रायगढ़ जिले की बात आई है तो रायगढ़ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायगढ़ की स्थापना 1948, मुख्यालय रायगढ़, रायगढ़ केलो नदी के किनारे बसा है। केलो नदी का उद्गम लैलूंगा पहाड़ से हुआ है। रायगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक क्या है? तो रायगढ़ में कोयला भंडारण क्षेत्र है, मुख्य खनिज कोयला, मांड नदी। ठीक है, प्रदेश में सर्वाधिक कोयला भंडारण है, और इसके जो क्षेत्र आते हैं खरसिया, धरमजगाड़, मोहापाली, बक्साइड, किदावानी की पहाड़ी से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र लारा, ओपी जिंदल स्टील प्लांट पावर लिमिटेड, रायगढ़ 1988। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज, ठीक है, स्पंज एयरलाइन कंपनी है, जो कि मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़, 2000 में इसका स्थापना हुआ है। गोरमदा अभयारण्य 1900
75 राम झरना जलप्रपात, माडुसिल्ली जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो रायगढ़ में ही स्थित है। पुरातत्विक स्थल देखते हैं, सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाणकालीन स्थल प्रदेश में खोजी गई सबसे पहली गुफा, खोजकर्ता एंडरसन, ठीक है, एंडरसन के द्वारा 1910 में इसको पहले खोजा गया। कबरा पहाड़ मध्य पाषाणकालीन प्रदेश में सर्वाधिक शैल चित्र लाल रंग की सामर घड़ियाल नुमा सीढ़ी नुमा में इसको प्राप्त किया गया है। बोतलदा प्रदेश की सबसे लंबी गुफा, बार देवगन मौर्यकालीन पुजारी पाली केवटी माता मंदिर कुषाण पालीन के सिक्के यहीं से प्राप्त किए गए हैं। चक्रधर समारोह, ठीक है, का चक्रधर समारोह का आयोजन प्रति वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है और इसको राजा उदय सिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन से भी आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान में सबसे शुद्ध प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, वन भैंसा, हिरण, पहाड़ी मैना, हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वन भैंसा, ठीक है। वन भैंसा क्या है, यहाँ पर शुद्ध जो प्रजाति के वन भैंसे हैं राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें किसे शुद्ध प्रजाति के जीव इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया गार्ड।